गुजरात के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके गए, वैसे ही शायद कर्नाटक के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई जिले लेके जा सकते हैं। यही दर्द की बात है कि हर बार महाराष्ट्र को दुख होता है, महाराष्ट्र को दर्द होता है, जो किसी को अफसोस नहीं होता। नहीं तो बैठकीतून काय निघतंय नक्की त्याच्यावर आपलं सगळ्यांचं लक्ष आहेच। मुख्य गोष्ट हीच आहे की आपण बघत असाल की गेल्या एक दोन आठवड्यामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जसं बोलत आहेत, जेवढे ॲग्रेसिव्ह झालेले आहेत, तसं आपल्याकडून घटनाबाहेर सरकार जरी घटनाबाहेर असलं तरी खुर्चीवर बसलेलं आहे। कुठेही मुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत, उपमुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत, आणि हीच दुःखाची गोष्ट आहे। आपको लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री गए कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनका जिस तरह से रवैया रहा है, तो कुछ हल निकलेगा या फिर आपको उम्मीद तो है कि हल निकलेगा? क्योंकि ये जो वाद विवाद है वो हमारे देश के दो राज्यों के बीच में है, और ये भीतर के वाद जो होते हैं, ऐसे झगड़े होते हैं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वैसे ही चले और कुछ निकल आए। जो अग्रेसिव दिख रहा है अभी कर्नाटका के सीएम के हिसाब से अगर आप देखें, तो शायद चुनाव के लिए हो सकता है, जैसे गुजरात के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके गए, वैसे ही शायद कर्नाटक के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई जिले लेके जा सकते हैं। यही दर्द की बात है कि हर बार महाराष्ट्र को दुख होता है, महाराष्ट्र को दर्द होता है, जो किसी को अफसोस नहीं होता। मला वाटतं तो पहिली गोष्ट हेच आहे की बैठकीतून काय निघतं ह्याच्यावर लक्ष आहे। उदय सामंत यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली, 65,000 कोटींची गुंतवणूक आणली म्हणून सांगितलं त्यांनी। आशिष शेलर यांनी देखील आज पत्रकार परिषद घेतली आणि म्हटलं की ठाकरेंनी यामध्ये आता काही कुरापती करू नये होता। नाही नक्की मी ह्याच्यावर बोलणारच होतो, त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली म्हणून मी मला वाटतं 24 तास थोडे दिले। थोडी आपण पण माहिती घ्या, मी पण माहिती घेतो, ह्याच्यातून साधारणपणे 50,000 कोटीचे जे प्रकल्प आहेत